लखनऊ में बीजेपी की बड़ी बैठक, आज बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। बीजेपी जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारियों की आज बैठक है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर आज एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें 2024 चुनाव के लिए बूथ स्तर पर तैयारी करेगी अब बीजेपी। ऐसे में आपको बता दें कि डेटा प्रबंधन तय करने की रणनीति पर यहाँ पर बीजेपी चर्चा करती हुई नजर आएगी। योजनाओं के लाभार्थियों का भी अब डेटा जुटाया जाएगा, तो बड़ी खबर जो है एक बीजेपी की बड़ी बैठक आज राजधानी लखनऊ में होने जा रही। योजनाओं के लाभार्थियों का भी एक डेटा जुटाया जाएगा, डेटा प्रबंधन तय करने की रणनीति पर चर्चा होगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि बेहद महत्वपूर्ण यह बैठक, जिसमें तमाम जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, जिला प्रभारी, वो इस बैठक में जुड़ते हुए नजर आएंगे और ऐसे में अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे। तमाम मुद्दों पर यहां पर चर्चा सीधे तौर पर होनी है। एक बार फिर रुक करेंगे संवाददाता रामानुज का। रामानुज, लखनऊ में बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है, वो कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे जिसको लेकर इस बैठक में चर्चा होगी? देखिए, अगर बात की जाए कि ऋतु, जो ये बैठक है वो सिर्फ इसको लेकर है कि डाटा प्रबंधन को लेकर, क्योंकि डाटा जो है जो बीजेपी कार्यालय के अंदर इस बैठक में जिला अध्यक्ष भी रहेंगे और जिला प्रभारी भी मौजूद रहेंगे। और ऐसे में अगर बात की जाए कि लगभग 11 बजे ये बैठक शुरू होनी है और इसके साथ ही क्या कुछ रहेगा, क्योंकि डाटा प्रबंधन एक बड़ी जिम्मेदारी जो है जिलों को सौंपी जा रही है, जहां पर लाभार्थियों का डाटा इकट्ठा करना है कि किन किन को जो है प्रदेश सरकार ने लाभ पहुंचा है प्रदेश सरकार से, और केंद्र सरकार से किन किन लोगों को जो है लाभ पहुंचा है। तो ऐसे में ये डाटा प्रबंधन की सूची तैयार करनी है, किस तरीके से 2024 के अंदर इस डाटा प्रबंधन पर ध्यान देते हुए जो है मतदाताओं को जो है अपनी ओर जो है रुझान करना है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि किस तरीके से 2024 के चुनाव को जीता जाए, और इस डाटा प्रबंधन के जरिए कहीं ना कहीं सरकार और संगठन की जो आपसी तालमेल बैठाकर जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जो जनता को कैसे जो है भाजपा की ओर मोटिवेट किया जाए 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, ये पूरी जो प्रक्रिया है वो आज इस बैठक के अंदर रहेगी, जिसमें कई ऐसे गुण सिखाए जाएंगे कि डाटा प्रबंधन कैसे कलेक्ट करना है और किन किन की जिम्मेदारी जो है लगानी हो, इसके साथ साथ जो है किन कार्यकर्ताओं को जमीन पर जो है भेजना है और डाटा प्रबंधन के साथ, और कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिला है उस लाभार्थी को। तो कहीं ना कहीं ये सारा कलेक्टिव डाटा जो है इकट्ठा करके कैसे 2024 के चुनाव को जीतना है, कैसे घर घर पहुँचना है, और हर उस योजना का जो लाभ, अब जो लाभार्थी छूट गए हैं उनको लाभ कैसे दिलवाना है, ये सारा जो है शुरुआत जो है आज भारतीय जनता पार्टी इस बैठक में होनी है। और इस डाटा प्रबंधन को लेकर कहीं ना कहीं 2024 का जो है मैदान और आसानी से फतेह करने के लिए शुरुआत की है भाजपा ने। बिल्कुल सीधे तौर पर समझा जा सकते हैं रामानुज, 2024 लोकसभा चुनाव हर राजनीतिक पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन बीजेपी पूरी तरह से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, जिसके चलते यहाँ पर अब बूथ स्तर को भी मजबूती देने में बीजेपी लगी हुई है। बूथ स्तर को लेकिन किस तरह से मजबूती दी जाएगी, क्या इसको लेकर भी किसी तरह की रूपरेखा या रणनीति इस बैठक में बनती हुई नजर आ सकती है? देखिए, जाहिर सी बात है, जो बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक के अंदर जो बातें रखी गई, उन बातों को जमीन तक पहुंचाना है, कार्यकर्ताओं तक पहुंचाना है, उसका सबसे आसान तरीका है कि जिला अध्यक्ष और जिला के जो प्रभारी हैं उनसे बैठक करना। उस बैठक के दौरान जो है तमाम वो बातें रखी जाएंगी जो केंद्रीय कार्य समिति की बैठक में हुई थी। और ऐसे में अगर बात की जाए, वो बातें जमीन तक पहुंच सके, वो डाटा प्रबंधन जो है उसको कलेक्ट किया जा सके, ताकि जो है 2024 के चुनाव के अंदर उन लाभार्थियों से सीधा संवाद किया जा सके, जो लाभार्थी जो है केंद्र और प्रदेश की योजनाओं से लाभान्वित हुए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी शुरुआत होगी और इसका लाभ जो है 2024 के चुनाव में जरूर भाजपा को मिलेगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा की कोशिश में है कि 2024 की जो तैयारियां, अन्य राजनीतिक दल अभी पिछड़ रहे हैं और भाजपा ने अभी से ही इसकी शुरुआत कर दी है। जी बिल्कुल, और बीजेपी की जो रणनीति है वो अब कहीं ना कहीं धरातल पर दिखती हुई नजर आ रही है। रामानुज, तमाम जानकारी साझा की उसके लिए शुक्रिया।